जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है जो 2018 की जो वैकेंसी में फाइनल मेट की जो मांग कर रहे थे, सभी मेडिकल फिट की मांग कर रहे थे, उन सभी के लिए एक बार वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना, ठीक है। इस बार जरूर एंड तक देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि क्या वास्तविकता है और क्या वास्तविकता नहीं है। मैं जब पहला वीडियो बनाया था, पहले दिन इस यूट्यूब चैनल का जो पहला वीडियो था उस पर मैंने एक वीडियो डाला था कि ये लोग जो आपका अभी लीडर बन रहे हैं, ये कोई लीडर नहीं है, इनको सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए, ये सिर्फ आपका फ़ायदा उठाएंगे। उस दिन बोला था, जो मेरा पहला वीडियो था, आप जाके चेक कर लेना यूट्यूब चैनल पर, मेरे इसी चैनल पर है पहला वीडियो, मेरा पहला वीडियो था वो, ठीक है। उस दिन उस वीडियो पे डिसलाइक ज़्यादा थे और लाइक कम, लेकिन बात सच्चाई की थी, ठीक है। मुझे पता था वो लोग किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं आपको, कुछ नहीं हुआ उस दिन भी आपके साथ, जब बच्चों को बुलाया था और दो मिनट में अपने अपने नारे लगा के सब चले गए थे, बच्चों के साथ धोखा हुआ था, बाद में बच्चों ने बोला भी था और उसमें से एक बच्चे की चोट भी आई थी, दो बच्चों के। अभी जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, पहले एक आप क्लिप देख लीजिए, ठीक है, एक क्लिप देख लीजिए आप उस बच्चे की जो अभी बोल रहा है, अभी दिल्ली का जो उसने इंटरव्यू दिया था उसमें बोल रहा है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। हमको जो है रणवीर सर ने इनवाइट किया था कि आप आइए और हम जो है आपकी आवाज़ें सरकार तक पहुंचाने में मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए अपना फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या है कि वो एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के रह चुके हैं, तो वो अपने मुद्दे की बातें करना शुरू कर दिए, तो हमने सोचा कि ये तो हमारा राजनीतिक रूप से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रकार से किनारा भी कर लिया था हमसे। उसके बीच में एक व्यक्ति आते हैं रिवेल सर करके, उन्होंने रिवेल सदानंद पति जिनका नाम है, उन्होंने भी हमारा यूज किया, उन्होंने बताया कि हम जो है आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और आइए हम आपके पूरा सहयोग करेंगे, तो उन्होंने भी हमारा टाइम वेस्ट किया। इसके बाद जैसे तैसे हम लोग भटकते रहे कि हम करें, तो देख लिया आपने क्लिप, मैंने क्या बोला था, मेरे हर एक वीडियो में जितने भी मैंने SSGD 2018 पे वीडियो बनाए, हर एक वीडियो पे जो भी इस टॉपिक पे बनाए उस पर मैंने ये बोला है कि ये लोग सिर्फ आपका फायदा उठाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, फिर भी आप सुनने को तैयार नहीं हो। मैं पहले भी बोला था कि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है आपसे, ये सिर्फ अपना फायदा उठा रहे हैं, अपनी पॉपुलरिटी के लिए, अपना मतलब यूट्यूब के लिए, अपने केवल व्यूज लाने के लिए। कहाँ है वो नेता आपके, अरे कहाँ गए? अब फिर तुम बोलोगे कि सर आप इनके बारे में, बच्चों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, होता क्या है कि जब छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको जिस प्रकार से बहलाया बुसलाया जाता है उसी प्रकार से आपको बुसलाया, आपको लगता है आप बहुत माइंडेड आदमी हो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे एक दिन भी सीनियर हूँ ना, अगर आप मेरे को एक दिन भी अगर आपसे ज़्यादा मानते हो तो भी मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। मैं आपसे एक दिन भी बड़ा हूँ ना तो भी आपसे ज़्यादा नॉलेज है मुझे, और ऐसे लोगों को मैं फट से पहचान लेता हूँ, क्योंकि जिस बात में दम नहीं होता, उस दिन मैंने बोला था 85,000 का आंकड़ा है ही नहीं, 1,00,000 से ऊपर है, वो वीडियो भी है, वो वीडियो भी मैं आपको वापस कर दूंगा, आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप जाके देख लेना मेरा, 1,09,000 बचाए थे, मैंने 1,05,000 बताए थे, मैंने बोला 1,05,000 से ऊपर ही बच्चे निकलेंगे, और नहीं तो 1,20,000 के आसपास, और 1,09,000 निकले थे, और वो 85,000 मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दे रहा था, कहाँ था वो आंकड़ा? तो उस दिन भी मैंने बोला था कि इनके चक्कर में मत आओ, ये मतलब आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, आपको लगता है माइंडेड। होता क्या है कि जब इंसान दुख में होता है ना, तकलीफ में होता है, बोलते हैं ना मरते को तेंके का सहारा, तो आप तकलीफ में हो भी, हाँ बहुत दुखी हो, क्योंकि मुझे पता है कि 3-4 साल वेट करने के बाद में जब जॉब में नंबर नहीं आता, मैंने उन बच्चों से बात की है जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, और वो किस प्रकार से रो रहे थे, उस रात में सोया नहीं हूँ जिस दिन SSGD का रिजल्ट आया, सुबह 5 बजे तक मैंने उन बच्चों से बात की है, कैसे बच्चे रो रहे थे, बहुत सारे बच्चों को मेरे नंबर मिल गए थे, वो सभी मेरे को कॉल कर करके मतलब रो रहे थे, पॉइंटों से रह गए, लेकिन रोने से राजपाट नहीं मिलते, ठीक है। अरे ज़िंदगी में मुश्किलें आती रहती है, बड़ी से बड़ी मुश्किलें आती है, हार नहीं मानते। तो उस समय भी मैं उनको बोल रहा था कि कोई बात नहीं बेटा, रह गए तो रह गए, फिर से तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं, और ज़्यादा मेहनत करना। लेकिन उस समय आपको दुखी हो रखे थे, इन लोगों ने आपके दुख का फ़ायदा उठाया, आपको एक छोटा झूठे वादे दिए, झूठी सी बातें बात बोल दी आपको, मीठी मीठी आपको अच्छी लगी, क्योंकि तकलीफ में होता है ना तब इंसान कौन फ़ायदा उठाने आ जाए पता नहीं है। वही हुआ आपके साथ में, कहाँ गए आपके नेता? क्योंकि उनको सिर्फ अपनी मार्केटिंग चाहिए, आपकी नहीं।
अब आप जो कर रहे हो, अब मैं इनके लिए जो बोल रहा हूँ वो बात भी आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले बात तो जितनी मैंने आज तक बोली है ना वो सभी की सभी सच्ची है। ये आप यूट्यूब के चैनल पे आप मेरे से पहले भी से जुड़े हो और पहले भी आपने देखा है, आज फिर देख लेना, पहले भी मैं वीडियो बनाया हूँ वो सारे जाके देख लेना। अब मैं इन बच्चों को बात बोलूँ, तुम्हारी जो मांग है ना वो जायज है, ये मांग सभी कर रहे हैं। ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहा है, आप सभी को पता है ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहा है, और एसएससी की भर्तियां 3-3 साल तक चलती है, रेलवे की भी चल रही है 3-3 साल तक, 4-4 साल तक, और इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है बच्चों को। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, इसमें 3-4 साल चलती है। इसमें से मैं ये नहीं बोलता कि आप मांग मत उठाओ, आप ये मत करो, लेकिन इसके जो आपको फ़ायदे हैं या नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप सुन लेना, अगर आप मेरे को अपना बड़ा भाई या छोटा भाई, भले ही आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में गालियाँ भी दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपका बाप भी आपको या आपका पिता भी या आपका भाई भी जब सही बात बोलता है ना वो कड़वी लगती है, ठीक है। वास्तविकता यह है कि आपने जैसे उस दिन वो किया था प्रदर्शन में, उस दिन वीडियो नहीं बनाया था जानबूझ के कि चलो कोई बात नहीं, मैं फालतू बच्चों को लग रहा है कि मैं इनको मतलब सही भी बता रहा हूँ तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे। उस दिन आप पे लाठी चार्ज हुआ था ना, आज मैं आपको बोल दूं, अगली बार अगर आप ऐसे किए ना, इस बार तो केवल लाठी चार्ज हुआ है, लाठी चार्ज भी हो जाएंगे, आप पे पुलिस केस भी हो जाएंगे, आपके माँ बाप के पास में पैसे नहीं है ना, गरीब है ना, उनके कर्जा भी हो जाएगा बहुत जल्दी, ये मैं लिख के दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगली बार आप बिना परमिशन के ऐसा कुछ किया आपको गैदरिंग में डाल देंगे, आपको जेल में डाल देंगे, छुटाने के लिए उनको आना ही पड़ेगा आपको बेल कराने के लिए, तो खुद भी परेशान, लाठियाँ भी खाओगे, उनको लाना भी पड़ेगा। मांग सही है या गलत है, पहले बात तो अगर आप कोई भी, मैं पहले से बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी काम करो तो परमिशन के बिना तो करो ही मत, जब तक आपको सरकार परमिशन नहीं देती तब तक आप वो काम करो ही मत, ठीक है, ये तो बिल्कुल मत करो। दूसरी बात, आपका जो तकलीफ है, आपकी जो दुख तकलीफ है, आप जो इतना परेशान हो रहे हो, अरे ये चीज़ें मैं समझता हूँ, आपको लगता है कि मतलब मैं कोई लैंडलॉर्ड हूँ तो नहीं, अब से मिलने भी आ जाऊँगा मैं बहुत जल्दी दिल्ली में तो, लेकिन वो बात आप ये मत सोचो कि मैं कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं हूँ मैं, ठीक है, आप में से उठ के आया हूँ, आपका ही भाई हूँ छोटा सा, लेकिन बात ये है कि मुझे वो चीज़ें दिख रही है जो आप नहीं देख पा रहे हो, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैं पहले दिन बता रहा था जिस इंसान को मैं पहले दिन देखा था ना, आज से मेरा पहला वीडियो चेक कर लेना, उसी दिन बोल दिया था मैंने, कहा आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, आपका सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। उस दिन भी लोगों ने बोला था कि मतलब आप मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो, और वो बात सही है, लेकिन आप में दम नहीं है सही को सही बोलने का। अगर कोई इंसान आपके सिर्फ पक्ष में बात बोले, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, आप उसको एग्री करोगे, आप में दम नहीं है सही को सही बोलने का। उस दिन भी मैं बोला था, मैंने कहा मैं फौजी इंसान हूँ, डरता नहीं हूँ किसी से, और सही बोलने में तो कभी नहीं डरता। वीडियो लाइक डिसलाइक तो मैं बंद कर दूंगा, कमेंट बंद कर दूंगा, वीडियो डिसलाइक लाइक सब बंद कर दूंगा, अगर मैं अच्छी बात बोलूंगा तो लोग सुनेंगे और देखेंगे, उनके फायदे के लिए मैं कुछ बोलूंगा और अच्छी बात बोलूंगा, उनको कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा, उनको कोई अच्छी चीज़ें बताऊंगा तो सुनेंगे, मैं लाइक और कमेंट दोनों बंद कर दूंगा, इन चीज़ों का तो मेरे को डर ही नहीं है। पहली बार तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जिस इंसान की वो बोलते हैं ना, जो ज़मीन से उठता है ना उसको आसमान से गिरने का डर नहीं होता। तो मेरा तो पहला वीडियो पे 4,000 डिसलाइक थे, लाइक तो उस पर 2,000 ही थे, तो डिसलाइक से तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बात उस दिन भी सच्ची थी, बात आज भी सच्ची है, और तुम में दम नहीं है सच्चाई का साथ देने का। बताओ उस दिन मैंने बोला था तब तुमने सुना है वीडियो देखा तुमने, तो बताओ उस दिन मैंने ये बातें बोली थी कि नहीं बोली थी कि ये लीडरशिप तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, ये कोई से लीडर नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हारी मांग ही नहीं उठा रहे वो, और है उनको जब पता ही नहीं है वास्तविकता। मैं पहले भी बोला था कि 5809 पोस्ट की जो वैकेंसी खाली है उसके लिए आप कोर्ट में PDF फाइल करो, नोटिफिकेशन को आधार मान कर आप कोर्ट में केस करो उसके ऊपर, ठीक है। पूरे देश में अभी जो कैंपेन चल रहा है अभी उसमें भाग ले रहे हो सभी, वैसे मांग उठाओ, वो एक मांग उठाने का जरिया है कि युवा सारे रोड पर उतर जाएंगे तो तैयारी कैसे करेंगे। आपको पता नई वैकेंसी भी आ गई, और भी वैकेंसी आ रही है, आप भले ही आप करते रहो, मैं आपको नहीं मना कर रहा आपको, क्योंकि अगर मैं मना करूँगा तो आपको मैं गलत लगूँगा, आपको लगेगा कि सर आप में हमारा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम हमारा मतलब डिमोटिवेट तो ना करें, तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा। लेकिन बिना परमिशन के दोस्तों कोई काम नहीं करना, जब तक आपको परमिशन 4 घंटे की मिले तो 4 घंटे से पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले ख़त्म कर देना वो चीज़, 3 घंटे की मिले तो 3 घंटे से 10 मिनट नहीं 1 घंटा पहले कर देना, नहीं तो अगली बार जब आपके साथ में होगा तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हुई है, जो आपने देखी है, नुकसान कर जाओगे अपना, ठीक है। आल मेडिकल फिट को जॉइनिंग आप मांग उठा रहे हो, आल मेडिकल फिट है कहाँ, वो तो नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई आल मेडिकल फिट है कहाँ, वो तो नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फिर
अपनी बात को रख रहे हो, इसके लिए जो जायज़ मांगे वो मैंने बता दिए, ये रिलेशन मांगो फिर दम दिखाओ अपना, और फिर भी चलो आप कर रहे हो, मैं उसके लिए आपको नहीं बोल रहा, लेकिन जो चीज़ मैं बोली हूँ वो पहले दिन जब बोला था वो बातें भी सही थी, आप में दम है तो उस चीज़ को स्वीकार करो, लेकिन आप में दम है नहीं, आपके लिए अगर कोई अच्छी बात बोलेगा ना इंसान वो आपको गलत लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब लड़की किसी लड़के के बेलाव फुसलाव में आ जाते हैं ना, तब माँ बाप उसको बोलते हैं ऐसा मत करो, क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है क्या होता है जीवन में क्या नहीं होता है, तब लड़की जोश में रहती है, हाँ नहीं माँ बाप को छोड़ के दूर भग जाती है शादी करके, और बाद में फिर होता क्या है, 2-3 साल बाद में फिर वही बच्ची रो रो के फिर वापस आती, तो बोला बेटा हमने तो पहले ही बोला था, क्यों, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, तो मैं पहले दिन ही बोला था आपको और अब भी बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं अब ये नहीं बोल रहा कि आप मतलब अपना मतलब समर्थन करो या नहीं करो, धरना प्रदर्शन करो या नहीं करो, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने स्वतंत्र हो, और मेरे बोलने से आप ना रुकने वाले ना करने वाले, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि आगे और भी वैकेंसी आ गई है, आप उनकी भी तैयारी करो, CPO SI की वैकेंसी आने वाली है, उसमें एज की भी ज़्यादा लिमिट है, और भी कई वैकेंसी आ गई, रेलवे की वैकेंसी भी आने वाली है, RPF वैकेंसी भी आने वाली है, NTPC की भी अभी चल रहे एग्ज़ाम जिन दोस्तों के, और भी वैकेंसियाँ बहुत हैं, SSGD की भी दोबारा आ रही है, शायद इसमें एज की कुछ छूट दे दे, तो दोस्तों तैयार अपनी सोच बुद्धि से करें, लेकिन कोई भी गलत कदम ना उठाए। जय हिंद, जय भारत।